आज जब रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका 50वां महाधिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है, नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती है। ऐसी आर्थिक नीतियां आज देश के अंदर लाई जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से, कांग्रेस पार्टी का एक काम आम कार्यकर्ता होने के चलते, कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज के वक्त में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल नहीं रही है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया। बीएसएनएल के बारे में कहा गया, बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धना धन कैसे करेगा। यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया।